विवादवा सीएनआई न्यूज चैनल लुधियाना। आज हम भ्रूण हत्या के बारे में आइए बात करते हैं। आज हम हरगोविंद जी तिवारी जी से पूछते हैं इनके विचार ये भ्रूण हत्या के बारे में कि अपने विचार क्या व्यक्त करना चाहते हैं। तिवारी डायरेक्टर माइग्रेंट वेलफेयर बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। भ्रूण हत्या हमारे देश में एक बहुत गंभीर समस्या है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। इसका मेन कारण है शिक्षा, एजुकेशन लड़कियों में कम है, एजुकेशन की कमी, जिसका मेन कारण है कि मध्य वर्गियों का खर्चा बढ़ गया है। जितने मिडिल क्लास के लोग हमारे हिंदुस्तान में हैं उनका खर्चा बढ़ गया। गरीबी इसका कारण नहीं कह सकते, क्योंकि गरीब भी अपनी लड़कियों की शिक्षा करवाता है, एजुकेशन के इसमें इफेक्ट कम पड़ता है। लेकिन जो मिडिल क्लासेस है उनकी ज़रूरतें बढ़ गई हैं, ज़रूरतें बढ़ जाने के कारण वो लड़कियों के ऊपर जो उसकी शादी करने में दहेज के देने की जो समस्याएं आती हैं, क्योंकि मिडिल क्लास में दहेज प्रथा अधिक है, दहेज प्रथा से जो सामाजिक ताना बाना बिगड़ गया है उसके कारण मिडिल क्लास के लोग लड़कियों को जन्म देने से कतराते हैं और उनकी भ्रूण हत्या करते हैं, जो एक अपराध है, सामाजिक अपराध है। हमारे देश में कन्याओं को माँ का दर्जा दिया गया है, इसलिए उन्हें हम भारत माता कहते हैं, उनका सम्मान करते हैं। मैं सभी लोगों से अनुरोध करूँगा कि भ्रूण हत्या को रोका जाए, इसको कड़ाई से रोका जाए। तिवारी जी, आप ये बताइए हमें कि ये जो भ्रूण हत्याएं हो रही हैं इसकी वजह से कुछ ऐसा नहीं कि हमारे देश में जो है समाज जो आगे बढ़ने से रुक रहा है? बिल्कुल, भ्रूण हत्या से हमारे देश में जो लोग नेचुरली भ्रूण हत्या कन्याओं की ही हत्या करते हैं, इससे हमारे सामाजिक ताना बाना कम हो गया, एक दूसरे के प्रति सम्मान में कमी आई है। सामाजिक ताना बाना इसलिए कम हो गया क्योंकि लड़कियों की अनुपात कम हो रही है और लड़कों की ज्यादा हो रही है। कुछ दिन में ऐसा हो जाएगा कि लड़कों के लिए शादी करने के लिए लड़कियों की कमी आ जाएगी, उससे एक दूसरे के अंदर हीन भावना की कमी आएगी, सामाजिक ताना बाना जिस देश का जिस प्रदेश का बिगड़ जाएगा, वो देश या प्रदेश तरक्की करने में उसमें बाधा आएगी। क्योंकि लड़कियां आज हर फील्ड में कामयाब हैं, चाहे आप फोर्स में ले लो, चाहे आप बैंकिंग प्रणाली में ले लो, चाहे देश की किसी भी व्यवस्था में ले लो, लड़कियां लड़कों से आगे हैं। और हम भ्रूण हत्या लगातार जारी रही तो सामाजिक ताना बाना बिगड़ने के कारण उसकी प्रोग्रेसिव जो रिपोर्ट है उसमें कमी आएगी, डेवलपमेंट में कमी आ जाएगी, सोच में कमी आ जाएगी, इसलिए भ्रूण हत्या पर पाबंदी लगानी चाहिए। तिवारी जी, आप हमें ये बताएंगे कहीं इसका मेन कारण कोई गरीबी वगैरह या ऐसा कुछ तो नहीं जो अत्याचार हो रहे हैं, लड़कियों का घर से निकलना दुश्वार हुआ हुआ है, या ऐसे किसी तरह के पेरेंट्स को जो माता पिता हैं उनको अपने बच्चों का हमेशा डर लगा रहता है, लड़कियों घर से निकालने में डर लगा, उसका कारण कहीं ये तो नहीं भ्रूण हत्या? भ्रूण हत्या का मेन कारण कोई एजुकेशन नहीं है, मध्यम वर्गियों में रिक्वायरमेंट जो बढ़ी है उसका एक मेन कारण है। अगर हम एजुकेशन का इसका कारण माने तो छत्तीसगढ़ कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई का स्तर वहाँ ज़्यादा नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर लड़कियों के अनुपात केरला से भी ज़्यादा है, झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ शिक्षा की कमी है, आर्थिक रूप से भी कमजोर है, लेकिन वहाँ भी अनुपात बाकी प्रदेशों से अच्छा है। केरला, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये तीनों प्रदेशों में लड़कियों की अनुपात संख्या लड़कों के बराबर ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है बाकी स्टेट को छोड़ दें तो। और ये तीनों प्रदेश कोई अमीर प्रदेश नहीं है, यहाँ गरीब ही लोग रहते हैं, क्योंकि गरीब परिवार अगर शिक्षा में उसकी लड़कियों की शिक्षा में कमजोर है तब भी उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, किसी गरीब घर में उनकी डिमांड कम होती, गरीब घर में शादी करते हैं, वहाँ दहेज भी कम मांगता है। ये ज़्यादा ताना बाना जो बिगड़ा है ये मध्य वर्गीय में बिगड़ा है, क्योंकि उनकी जो है रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई हैं, ज़रूरतें बढ़ गई हैं, फैशन जो है वेस्टर्न कल्चर जो आ गया है, ये अमीर तो इसका सहन कर लेता है, उसके पास पैसा है वो हर तरह का कल्चर अडॉप्ट कर लेता है, लेकिन मध्य वर्गीय वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करने के लिए कई आपराधिक घटनाएँ करने लग पड़े हैं। भ्रष्टाचार बढ़ने का कारण यही है, क्योंकि वो उनकी ज़रूरतें बढ़ गई हैं,
जिससे उनका ताना बाना बिगड़ गया है, और लड़कियों को इसलिए मार देते हत्या कर देते हैं ताकि उनकी शिक्षा पर धन ना खर्च करना पड़े, उनकी शादी करने के लिए दहेज ना देना पड़े। ये गलत है, इस पर जो है रोक लगाना चाहिए। मध्यवर्गीय लोगों को अपना जो है जीवन स्तर ठीक से जीना चाहिए, जरूरतें कम करनी चाहिए। हमारा देश भारत देश जो ऐसा देश है जहाँ संस्कृति जो है एक एक मायने रखती है, उसका एक अलग मतलब है। यहाँ हम महिलाओं को माँ का दर्जा देते हैं, भारत माँ का दर्जा देते हैं, कन्याओं को देवी देवताओं का दर्जा देते हैं, उनकी पूजन करते हैं, नवरात्रों में व्रत रखते हैं और उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। तो ये भ्रूण हत्या महापाप है। मध्यवर्गियों के साथ साथ भारत देश में सभी नागरिक को इस पर सोचना चाहिए और भ्रूण हत्या पर लगाम लगानी चाहिए, और जो भी ये इसके कारण है उसकी सोच विचार कर सरकार को भी इसके लिए जो है कड़े से कड़े कानून बनाकर इसकी रोकथाम करने के लिए कदम उठाने चाहिए। धन्यवाद तिवारी जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, आपने अपने बहुत अच्छे विचार हमें बताए। देश को सबको आज एहसास होगा कि तिवारी जी के विचार कितने अच्छे हैं। इसी के साथ हम आपका धन्यवाद करते हैं। तिवारी जी, आप हमें बताएंगे कि इसको एक्चुअली ये जो हमारे जो भ्रूण हत्या हो रही है हमारे देश में, इसको कौन बढ़ावा दे रहा है, इसका मेन सहयोगी है कौन? ऐसा भ्रूण हत्या जो गरीब तबके मध्यवर्गीय लोग हैं, ये कोई बहुत बड़े हॉस्पिटल में नहीं जा पाते, सिविल अस्पताल में तो ये जिला अस्पतालों में बिल्कुल पाबंदी है, सरकारी डॉक्टर इसमें सहयोगी नहीं है। लेकिन ये जो झोला छाप डॉक्टर हैं, जो RMP डॉक्टर हैं, जिनके प्रैक्टिस करने का कोई राइट नहीं है, और जो ये डॉक्टरों के असिस्टेंट हैं जो छोटी छोटी क्लिनिक हर जगह खोल रखे हैं, ये मेन कारण है। ये अपनी छोटी सी लालच में आकर भ्रूण हत्या करते हैं और किसी छोटे मोटे हॉस्पिटल से टाई अप रखते हैं, वहाँ उनको कुछ कमीशन देकर इसको बढ़ावा देते हैं। किसी भी देश में जो झोला छाप डॉक्टर हैं, एक अभिशाप है। मैं भारतवासियों को, हर प्रदेश के सभी सरकारों को यह अनुरोध करना चाहता हूं कि झोला छाप डॉक्टरों की कड़ाई से जांच करें, इस पर पाबंदी लगाएं, और सभी जिला अस्पताल के CMO सिविल जो सिविल मेडिकल ऑफिसर हैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वो एक टीम बनाएं, ऐसी इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनाएं जो मौके पर समय समय पर सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इन झोला छाप डॉक्टरों की जाँच करें और कानून के अनुरोध कानून के अनुसार इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कुछ हॉस्पिटलों में यहाँ कार्रवाई होती है, जब कार्रवाई हो जाती है तो डॉक्टर क्या करते हैं, हॉस्पिटल का नाम बदलकर फिर से हॉस्पिटल खोल लेते हैं और प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो ये भ्रूण हत्या में शामिल पाया जाए उसकी डिग्री रद्द करे और आजीवन उसकी प्रैक्टिस पर रोक लगा दी जाए, जिससे इस पर काफ़ी कमी आएगी भ्रूण हत्या में, और देश में प्रदेश में सामाजिक स्तर बढ़ेगा, एक दूसरे की सोच बढ़ेगी, हीन भावना की कमी आएगी, क्योंकि अगर भ्रूण हत्या कम होगी तो हीन भावना की कमी आ जाएगी, अगर भ्रूण हत्या बढ़ती रही तो हीन भावना बढ़ेगी, ताना बाना बिगड़ जाएगा, कल्चर संस्कृति खत्म हो जाएगी। इसलिए सभी भाई बहनों तो देश के सभी नागरिकों से अनुरोध है कि भ्रूण हत्या पर कड़ा से कड़ा रोक लगाई जाए और सभी डॉक्टर को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और भ्रूण हत्या करने से बचना चाहिए, यह महापाप है। धन्यवाद। देशवासियों को अपील करता हूं कि कन्या भ्रूण हत्या बंद करें, अपनी बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं, अच्छे संस्कार दें, धर्म की उनको जानकारी दें। हमारे देश में कन्याओं को, भाई बहनों को, माताओं को माँ का दर्जा दिया गया है और इस पर रोक लगा भ्रूण हत्या पर रोक लगनी चाहिए, और कन्याओं को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाया जाए, उनका सामाजिक स्तर ऊंचा बढ़ाया जाए, जिससे देश का सम्मान बढ़े, प्रदेश का सम्मान बढ़े और देश की तरक्की और बढ़े, और देश की तरक्की में जितना जितना रोल लड़कों का है उससे ज़्यादा बढ़कर जो रोल लड़कियां अदा करती हैं, जो लड़कियों की भ्रूण हत्या बंद होगी तो देश ऑटोमेटिकली बहुत तरक्की करेगा। धन्यवाद तिवारी जी, आपके सच्चे और ऊंचे परिवार सुने, आज पूरे देश को मालूम पड़ा आपके जो विचार हैं कितने सच्चे और ऊंचे हैं। इसी के साथ आपका धन्यवाद। आइए अब हम विचार सुनते हैं खुराना एडवोकेट जी के, भ्रूण हत्या को लेके इनके क्या विचार हैं। सभ्यता का प्रतीत है
और पश्चिमी सभ्यता हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता में बहुत फर्क है। वहाँ का पहरावा, रहना सहन और यहाँ का रहन सहन बिल्कुल डिफरेंट है। हमें अपने भारतीय संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए और पश्चिमी देशों के बहकाव देखा देखी आके हमें भी वैलेंटाइन डे नहीं मनाना चाहिए। वैलेंटाइन डे पे क्या करते हैं, दिखाते हैं कि एक फूल लड़का लड़की को फूल दे रहा है, सिर्फ ये तो प्यार करने भक्ति है। हम एक दिन ऐसे दिखावा ना करें जो जो फ्लावर देने तक की हो। हमें तो अपने परिवार से, परिवार के सभी सदस्यों से, और अगर हस्बैंड है उसको वाइफ से, वाइफ को अपने हस्बैंड से फॉरएवर ही प्यार करना चाहिए, सारा साल प्यार करना है। सिर्फ एक दिन का दिखावा करके हमें वैलेंटाइन डे का लगा के कोई छाप नहीं छोड़नी चाहिए। थैंक यू। कृष्ण कुमार बाबा जी से, जो कि कांग्रेस के हेड हैं। हाँ जी बाबा जी, आप हमें ये बताइए कि हमारे देश में ये भ्रूण हत्या हो रही है, क्या ये सही बात है? सही नहीं, बहुत ही बुरी बात है, और मैं समझता हूँ और भी दुख की बात है। ये अब से नहीं हो रही, ये बहुत लंबे समय से हो रही है, बहुत देर से हो रही है। पहले भी हमारे लोग वो लड़कियों को, यहाँ तक कि अब तो पेट में मारते हैं, पहले उनको जन्म लेने के बाद उनका गला दबाकर हमारे पंजाब में तो ऐसा था जैसे मार देते थे। ये मैं समझता हूँ बहुत ही बुरी बात है, और हमारे समाज के लिए और हमारे जो गुरुओं का उपदेश है, जो हमारे धार्मिक उपदेश है, जो सभी धर्मों का उपदेश है, मैं समझता हूँ उससे भी हम मुनकर होते हैं। और अपने समाज में एक जो संतुलन है बेटी बेटे का, जो जन्म का, क्योंकि इसी से समाज आगे चलता है, और अगर ऐसा होगा तो ये संतुलन बिगड़ गया तो सभी कुछ नष्ट हो जाएगा। मैं समझता हूँ ये बहुत ही दुख की बात है, और हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे देश के फ्यूचर के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही बुरी बात है। बाबा जी, इसका कहीं एक कारण ये गरीबी वगैरह या जो लड़कियों पे अत्याचार हो रहे हैं, कहीं इसकी वजह से माता पिता थोड़े डर के कहीं इसी वजह से तो ऐसा नहीं कर रहे? देखिए, कारण काफ़ी हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। आपने कोई गरीबी की बात भी होती है, कुछ और मैं समझता हूँ कुछ अवेयरनेस की कमी है हमारे लोगों में, और जो बच्चे पैदा करते हैं उनको सोचना चाहिए, उनके फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। उनके लिए अगर उनको खाना दाना नहीं दे सकते तो सोचना चाहिए, सभी बातों को सोचना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे हैं कि लड़कियों को कोई जायदाद की सोचते हैं, प्रॉपर्टी का सोचते हैं, बहुत बातें सोचते हैं। ये आपकी बात सही है, जैसे आज के हालात हैं, ये पहले भी था, क्योंकि चाहते समझते हैं हमारे समाज में कि लड़का पैदा हो गया तो बहुत खुशी की बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत वो कमाएगा। लड़की क्या करेगी, लड़की को तो धन लगाना पड़ेगा, शादी पे लगाना पड़ेगा, लड़की के लिए तो हमें खर्चा ही करना पड़ेगा, मतलब ये ऐसा बोझ समझते हैं लड़की को। मगर ये बात मैं समझता हूँ आज जबकि समाज में बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है, बहुत बड़ी चेंज आ गई है, आज लड़कियाँ किसी भी क्षेत्र से लड़कियों से कम नहीं बल्कि लड़कियों से आगे हैं। आज एजुकेशन की बात कर लीजिए, आज पेपरों में लड़कियों का नाम ऊपर होता है, और लड़कियां स्पोर्ट्स में और लड़कियां किसी भी क्षेत्र में मैं समझता हूँ पीछे नहीं है। आज यहाँ तक कि मैं कल एक स्पोर्ट्स का था जो गांव में, वहाँ लड़कियां कबड्डी खेल रही हैं, उसमें मेरा मतलब लड़कियां और इतना प्यार लेती हैं घर में, अगर समाज की बात, घर की बात करें तो लड़कियां लड़कों से बहुत प्यार लेती हैं, सत्कार। और ये बातें जो इस ओर चल रही है कि हम लोग लड़कियों को पेट में ही मार देते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ तो मैं तो यही समझूंगा, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि पता नहीं लड़का पैदा हो गया तो क्या वो ड्राफ्ट लेकर आएगा, क्या हमें खुशी होगी, लड़की पैदा होगी हमारा कितना नुकसान हो जाएगा। एक ओर तो हम परमात्मा को मानते हैं, गुरुओं को मानते, अपने धार्मिक धर्म की बातें करते हैं, सभी मानते हैं कि जो होता है जो ठीक होता है, जो परमात्मा कर रहा है, और दूसरी ओर हम ऐसे कर्म कर रहे हैं जो मैं समझता हूँ बहुत ही बुरे कर्म है, क्योंकि एक कत्ल करते हैं, हम पेट के अंदर कत्ल करते हैं। मैं तो यही भी कहूँगा कि पहले तो एक जो हमारे जो धार्मिक गुरु हैं, इनको एक हुक्मनामा, एक फतवा, एक जो भी है, उनको अपनी ओर से एक बहुत बड़ा लोगों को वो देना चाहिए, संदेश देना चाहिए, उपदेश देना चाहिए कि ये क्या कर रहे हो, क्योंकि अगर धार्मिक गुरु जो बात कहते हैं उनका लोगों पर जल्दी असर होता है। अगर ऐसा जो भी होता है, मैं समझता हूँ देखो उनके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज हो जो ऐसा करते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट अगर चाहे, गवर्नमेंट ये बातें करने वाली बात जुदा है, ये आपने सुना होगा यहाँ एक कृष्ण कुमार नाम के डिप्टी कमिश्नर नवा शहर में आए थे, वो पीएम हाउस में है शहर, और उन्होंने
वहाँ एक संतुलन बना दिया नवा शहर में। अगर एक डिप्टी कमिश्नर एक शहर में एक अच्छा संतुलन बना सकता है लड़की लड़के के पैदा होने का, और बाकी डिप्टी कमिश्नर क्यों नहीं कर सकते, पूरे देश में क्यों नहीं हो सकता। ये कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन की वो उसकी भी कमी है, कानून को सख्ती से लागू करना ये भी प्रशासन का काम है, सरकारों का काम है, ये होना चाहिए। और ये हम ने मैं जो अपनी बात करूँ, और मैं आज से 25 साल हो गए पूरे, हमने 25 साल पहले लड़कियों की लोहड़ी मनाना शुरू किया, क्योंकि आम तौर पे जो हमारा समाज है लड़कियों की लोहड़ी मनाता है, लड़का पैदा हो गया बहुत खुशियां मनाई जाती हैं, मगर लड़की की लोहड़ी मनाना ये मुझे लगता है मैंने ही शुरू किया है, और मैंने कहीं नहीं देखा। और हम और करते हैं कि जो जिन्होंने वक्त फील्ड में काम किया, इस बार भी हमने 7 लड़कियों को प्योर गोल्ड मेडल डाले हैं, कोई लड़की स्पोर्ट्स में, कोई लड़की एजुकेशन में, कोई इंडस्ट्री के क्षेत्र में, मतलब जिन्होंने वक्त फील्ड में अच्छा काम किया है उनको ऐसे हम ऑनर करते हैं, ताकि हम तो यही बताने की कोशिश करते हैं समाज को कि लड़कियां किसी से कम नहीं, लड़कियां प्यार लेती हैं, सत्कार लेती हैं। और ये एक उपराला हम लोहड़ी मेला, लड़कियों का लोहड़ी मेला ये एक शुरू किया। आज हम मैं ये भी खुशी होती है कि हमें मैं यही कल को है, मेरा गाँव रकबा है, वहाँ 2 लड़कियाँ पैदा हुई है, उनकी खुशी में वो बहुत बड़ा समागम करने जा रहे हैं। और भी जहां लड़कियों की लोहड़ी मनाने लग गए हैं, 30-40% तो लोग लग गए हैं समाज में, ये मैं समझता हूं खुशी की बात है कि समाज में चेंज आ रही है, जो इससे आने वाले समय में एक अच्छा संदेश होगा, अच्छा होगा। बाबा जी आप ये बताइए हमें कि इस देश में जो भ्रूण हत्या हो रही है इसको आगे कौन बढ़ावा दे रहा है, उसका कारण क्या है? देखो बढ़ावा तो मैं यही कहता हूँ जो सामाजिक जो कारण है, जैसे आपने गरीबी की बात की, इसमें कोई शक नहीं, ऐसे लोग हैं जो अपनी तुच्छ बुद्धि, अपनी छोटी, उनकी सोच का दायरा बहुत छोटा है, जो वो समझते हैं अगर लड़की पैदा होगी तो बहुत नुकसान होगा, लड़का पैदा होगा तो बहुत पता नहीं खुशी होगी। आज हम देखते हैं लड़के जब 16-17 साल के हो जाते हैं तो कैसी माँ बाप की ओर देखते हैं, ये भी जानते हैं ये कितना, मैं समझता हूँ समाज का संतुलन तो पहले ही लड़कों ने बिगाड़ दिया है, क्योंकि जो समाज में जीने का संतुलन बिगाड़ दिया तो और तो क्या करेंगे, क्योंकि वो समझते हैं हम लड़के हैं, हमारा तो पूर्ण प्रॉपर्टी पर अधिकार है, हम जो भी करें। आजकल है क्या, 1 या 2 बच्चे होते हैं, और वो लड़के होते हैं वो समझते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। मैं समझता हूँ हम भी, मुझे याद है मैं रात ही बातें कर रहे थे कि हम अपने बाप से के सामने नहीं खड़े हो सकते थे, उनकी बात जो बोल दिया बहुत बड़ी बात होती थी, अगर उन्होंने कोई ऐसे ही हमारे सख्त शब्द बोले तो ऐसे था कि अब कितने सालों में कभी ऐसी कोई बात होती थी। अब हम सुबह शाम बोलते हैं तो किसी बच्चे पर असर नहीं होता, मतलब ये जो समाज में ऐसा, मैं समझता हूँ जो रिश्तों का सत्कार, माता पिता का सत्कार, समाज में सत्कार, पहले क्या था हम गांव में रहते थे, हमने देखा हम जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, उनको सत्कार, उनको सत श्री अकाल, उनको नमस्कार करते थे, वैसे करते थे। अब कोई नहीं किसी को करता, अब घर में कोई नहीं किसी माता के पाँव नहीं छूता, किसी पिता से आशीर्वाद लेकर कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता, कोई काम पे नहीं जाता, क्योंकि मैं समझता हूँ माता की शक्ति, पिता की शक्ति, बुजुर्गों की शक्ति, उनका आशीर्वाद बहुत बड़ी बात है। अगर हम घर से आशीर्वाद लेके चलेंगे तो समाज में कोई भी काम ऐसा नहीं जो आपके आपके काम में कोई वादा डाले, आप में कोई रुकावट डाले, मगर ये जो मैं समझता हूँ रिश्तों के सत्कार में जो कमी आई है ये बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। इसके लिए क्या हमारा जो सामाजिक ढांचा है, आज बच्चा पैदा होता है वो भी नर्सिंग होम में, और उसके बाद उसको एक नौकरानी पालती है, उसके बाद वो हॉस्टल चला जाता है, फिर वो ऐसे आता है जैसे मेहमान आते हैं, उनका जो माँ बाप से लगाव है, क्योंकि माँ बाप भी बोझ समझते हैं, वो लगाव ख़त्म होता जा रहा है। वो जो हमारी पुराने समय के जो हमारा सभ्याचार था, हमारी जो संस्कृति है, हम नानी दादी उनको उपदेश देती, उनको रास्ता दिखलाती, बेटा ऐसे नहीं ऐसे होता, ऐसे नहीं ऐसा होता, अब नानी दादी का तो रोल ही ख़त्म हो गया, और जो उन्होंने बातें सिखानी होती थी, बच्चों को दर्शाना होता था, वो ख़त्म होता जा रहा है। मतलब यही बातें दुखों का कारण है। ठीक है हम कहते हैं बहुत फास्ट हो गया, बहुत ये हो गया, वो हो गया, आज 99% लोग ब्लड प्रेशर हैं जी और शुगर की गोलियाँ लेते हैं, आज से 20-30 साल पहले कोई सुना नहीं था, क्योंकि फास्ट तो हो गया, मगर मैं समझता हूँ कोई भी बॉडी, कोई शरीर उतना ही काम कर सकता है जितना उससे धीरे से काम लेना चाहिए। अब आप ये बताइए इस पर कैसे रोक लगाया जा सकता है?
देखो रोग, मैं तो एक तो कहूंगा कि सरकार सख्ती करे, दूसरा जो सामाजिक संस्थाएं, तीसरा जितनी देर लोगों में ये अवेयरनेस नहीं आएगी, लोग इसको इस बात को नहीं समझेंगे कि ये बहुत बड़ा पाप है। अगर मैं यही आपको पहले बोल रहा था, अगर ये धार्मिक गुरु बोलेंगे, जो धार्मिक हमारे नेता है वो बोलेंगे, उनका लोगों पर जल्दी असर होता है। मैं समझा जो भी यहाँ प्रवचन करते हैं, बड़े बड़े साधु महात्मा करते हैं, उनको बात यहाँ से शुरू करनी चाहिए कि वो कहाँ, तो श्री गुरु नानक देव जी ने क्या कहा है कि सो क्यों मंदा आकिए जित जमे राजान। एक और तो हमारे गुरुओं ने कितना बड़ा सम्मान दिया है माता को, और हम माता को, उसी माता को, उसी बेटी को, उसी बहन को उसका कत्ल करते हैं, और क्या समझते हैं, क्या हम समझते हैं कि हम बेटी हो गई तो उसको मार दिया और बेटा हो गया तो बड़ा हो गया। हम बहुत बड़ा कोई धर्म काम कर रहे हैं, कोई समाज की सेवा कर रहे हैं, कोई घर की सेवा कर रहे हैं, जहाँ अपना फ्यूचर आप बना रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि वो लोग समझते हैं कि लड़कियाँ बोझ हैं, लड़के हैं तो बहुत अच्छा होगा, और हम अगर इनको मार देंगे तो हत्या करेंगे तो इससे शायद हमारा बहुत अच्छा होगा। मतलब मैं समझता हूँ कि बहुत ही बुरी बात है, बहुत बुरी बात है, इनकी निंदा करता हूँ। ऐसे लोगों के खिलाफ अगर सख्ती होगी, वो जैसे मैंने आपको बोला कि 302 का दफा लगाकर वो पर्चा दर्ज हो, उनके ऊपर कार्रवाई हो, फिर समाज के लोग देखेंगे, फिर उनमें डर का एक माहौल पैदा होगा, वो ऐसा बुरा काम नहीं करेंगे। क्योंकि अगर वो बातों से ना माने, कानून को ना माने, तो कानून सख्ती से भी लागू होना चाहिए। आप अपने देश को कोई अपना एक संदेश देना चाहेंगे? देखो मेरा तो संदेश क्या, मेरी तो रिक्वेस्ट है, मेरी तो बेनती है कि आओ एक मिलकर ऐसा समाज बनाएं जिसमें प्यार हो, सत्कार हो, बेटियों का सत्कार हो। बेटियों को एक तो कन्या करके पूछते हैं हम, उसको उनको पांव छूते हैं, उनको सत्कार देते हैं, और दूसरी ओर उन्हीं कन्याओं को जन्म लेने से पहले मारने की बातें करते हैं। किधर को समाज जा रहा है? उन महान गुरुओं का उपदेश को अपने जीवन में धारण करना चाहिए, उनको एक प्रैक्टिकली मैं समझता हूँ धारण करने की ज़रूरत है, ताकि एक अच्छा समाज, प्यार भरा समाज बने। और देखिए आप भी लड़की हैं, आप कितना मीडिया के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में लड़कियां अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छा लगता है, ऑफिस में अच्छा, हर क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, तो क्यों ऐसी बातें कर रहे हो जहाँ से समाज को हम बुरा, समाज का संतुलन बिगाड़ रहे हो? क्योंकि ये सबसे बड़ी खतरे की घंटी है, इसको लोग समझना चाहिए कि कहीं 700 समथिंग, कहीं 1000, जो 200-300 का फर्क चल रहा है, ये बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये सामाजिक संतुलन बिगड़ गया, अगर ये समाज में ऐसे मैं समझता हूँ बहुत बुरे उसके रिजल्ट निकल सकते हैं, इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए, थोड़ा परमात्मा का भी खौफ डर अपने मन में रखते हुए, और कानून को भी अपना रास्ता अख्तियार करना चाहिए, और एक अच्छा समाज, प्यार भरा समाज बनना चाहिए। सख्ती होनी चाहिए जहाँ होने की ज़रूरत है, सरकार भी अपना रोल अदा करे, समाज भी रोल अदा करे, और जो लिखने वाले लोग हैं, जो पेपरों में लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, जो उनको भी इस ओर थोड़ा चलना चाहिए, धार्मिक नेता इस ओर चले, ताकि एक बढ़िया प्यार भरा समाज बन सके। धन्यवाद। कृष्ण कुमार बाबा जी से हमने भी बात की, उनके विचार सुने, उनके विचार सच्चे और ऊंचे थे, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, देश को अच्छी शिक्षा दी, हमारे हिसाब से हमारे पूरे देश को इसी तरह कृष्ण कुमार बाबा जी के विचारों पर पालन करना चाहिए। धन्यवाद।